अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज मी फेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद फेरी। सो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैंने वहाँ पे एक स्टोरी लगाई थी और वहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोग अपने सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर करें तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगी। सो अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पे हूँ, उनका नाम है जैनब और उन्होंने रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। सो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उनको भी सपोर्ट करें और उनको फॉलो करें। सो अब जैनब आप मेरी यूट्यूब फैमिली को हाय कर दें। बस यहाँ पे अपनी प्रमोशन शुरू हो गई, अपनी प्रमोशन शुरू हो गई, करनी तो थी ना। हाँ चले सही है। नाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन योर सीक्रेट्स। सो अब बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। सो मैंने लगाई थी जो स्टोरी इंस्टाग्राम पे सीक्रेट्स की, काफ़ी लोगों ने इतने शानदार शानदार दिए ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस पर मैं रिएक्ट क्या करूँगी, लेकिन अब देखते हैं व्लॉग बना रहे हैं तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। सो एक ने लिखा है, मैं यहाँ पे साथ साथ वीडियो में मेंशन भी कर दूंगी रिएक्ट नाम हटा के ऑब्वियसली। सो एक ने लिखा है, मैंने एक बार शीशे में देख लिया था। जैन अब बताओ क्या बोलोगी? मतलब यार यार जाना रिएक्ट करना, हम तो रोस्टिंग कर रहे हैं। रिएक्शन भी इस किस्म के जाते हैं। हाँ बनता है यार इतना तो। सो एक बहुत ही कोई दुखी आत्मा ने लिखा है, आई वॉन्ट टू डू मोर देन जस्ट एग्जिस्ट। ये इनका सीक्रेट है ब्रो। क्या करना चाहती हो? तो मेंशन कर देती और जीने के अलावा क्या कर रही हो। और एक ने लिखा है, ये मैं बढ़ के नहीं बता रही हूँ, इसका मैं मेंशन करूंगी। सो जैनब को मैंने सारे सेंड कर दिए हैं तो जैनब पढ़ के बताएगी और जैनब भी रिएक्ट करेगी। सो जैनब आप बताइए पढ़ के आप। Okay. I kissed my cousin and no one knows we are in a relationship. वैसे लिखा है, भी लिखना भूल गई। तो बेटा आपने तो बता दिया, अगर नाम मेंशन कर देंगे आप तो एक्सपोज हो जाओगे। कजन से यार कोई नहीं यार, खुश रहो रिलेशन भी गया, कजन भी गया, सब गए। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म बाय बाय, टाटा गुड बाय। चल मेरा पर छुट्टी कर। और अब किसी सेकंड जनाब ने लिखा है, आई वॉज ड्रंक व्हेन आई एम 15। जैनब साइलेंट, बिल्कुल अल्फाज ही नहीं है, क्या बोले इसके लिए। पहली बात तो यार ये बोलूंगी, 15 साल की उम्र में आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर आपके मॉम डैड ने अलाउ कैसे किया आप लोगों को, है जैनब? दूसरी बात, अगर अम्मा अब्बा को पता लग गया तो छिपकर बहुत पड़ेंगे। हाँ और आप ड्रंक होने के बाद गए कहाँ पे उस नशे की हालत में? पब्लिक वॉन्ट्स इट टू नो ना, हद हो गई। सो अब नेक्स्ट है किसी का सीक्रेट। सो उनका ये लिखा हुआ उन्होंने, आई हैड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टाग्रामर टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम और प्लस टिकटॉक अकाउंट किसी का इन्होंने हैक किया है, मोस्ट पॉपुलर। रुक, कहां से आते हैं ये? कौन है ये? कौन है? अच्छा हैक किया है। हाँ मुझे लगा खुद इंसान। अरे यार इतना फेमस हो गया, हमारे रखे गए यार। मैं तो डर गई हूँ कि ये मेरा ना कर दे। भागो भाई भागो, इसको ब्लॉक करो। फिर भी ये है, किसने इतने बड़े पॉपुलर का कर दिया, हमारा नहीं कर सकता क्या? खैर बुरी बात होती है इस तरह किसी का अकाउंट हैक करना। या आप सीक्रेट तो बता रहे, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूं कि किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। सो बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। सो अब नेक्स्ट है किसी का, स्टोल माय मम्स मनी वर्थ 20,000 एंड ब्लेम माय ब्रदर।
जैनब यार चेक करो, यहाँ पे इतने बड़े बड़े चोर बैठे हुए। जीनियस। मतलब जीनियस है, समझ में नहीं आया रिएक्ट क्या करे, इतने मतलब शानदार किए हैं लोगों ने। 20,000 अम्मी के पर्स से निकाल लिए, अम्मी ने दोनों भाइयों को छितर नहीं मारे वैसे। मानने तो चाहिए थे। अब आंटी अगर आप देख रही हैं मेरा ब्लॉग, मेरी हमारी अम्मों के पर्स से निकले थे। हाँ अब आंटी को पता चल गया। मैं तो कहती हूँ उस बंदे का नाम भी मेंशन कर दो। यार फसाद हो जाएगा बेचारे के साथ, रहने दो। खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो किसी ने लिखा है, आई हैव अ सीक्रेट टैटू ऑन माई बॉडी कॉज अम्मा अब्बा को पता चल जाना तो चित्रोल हो जानी। वाओ जैनब यार, हाय हाय, ये भी मेंशन करते ना कि टैटू का मनवाया है। टैटू यार जैनब। तो अब एक और सीक्रेट है किसी का, मेरा फेक अकाउंट टू स्टॉक माय बीएफ बॉयफ्रेंड। जैनब से समथिंग। उसी अकाउंट से कर लेती। ब्लॉक्ड होगी ना यार, मतलब वही कहा ना, उसी अकाउंट से कर लेती, हद हो गई। ओके सो नेक्स्ट है यार, इसके ना पूरी कहानी होनी चाहिए। हाँ ये आप बताएं फिर, आपके पहले तो आप ये बताएं कि कटा कैसा आपका। क्या आपको फेक अकाउंट बनाना पड़ा, ये तो पहले हमें ये जानना। यार हम सीक्रेट पे रिएक्ट ज्यादा करने से रोस्ट कर रहे हैं हम। और लोग बोलेंगे हमने ने बताया कि अपने सीक्रेट्स, तो बेटा इनके सीक्रेट्स ही रोस्ट करने वाले। वाकई यार कसम से, मैं पढ़ रही थी, मैं बोल रही थी यार ये क्या है, मैं इस पे क्या रिएक्ट करूंगी। सो नेक्स्ट है, 2012 में मैंने अपने सिस के लंबे बाल कट कर दिए थे बुरी तरह, व्हेन शी वाज स्लीपिंग स्टिल शी डोंट नो इट वाज मी। यार यार बहन को बताओ, यार इसकी बहन को प्लीज, बहन को बताओ कैसे कर लिया। मेरी जैसी बहन होती अब तक कत्ल हो चुका होता घर के किसी भी एक बंदे का। लंबे बाल काट दिए यार, हद हो गई यार। सो नेक्स्ट है, व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग आई यूज्ड टू स्मोक आउट सिगरेट्स। ये तो कोई पक्का ही नशा ही है ब्रो। नाइस नाइस यार, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। आई विश किसी दिन आपके अब्बा जी उठ के बाहर आ जाए। हद हो गई यार। ओके सो नेक्स्ट है, एज अ चाइल्ड आई वुड स्टील बटर फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड हाइड इट इन माई फ्रिज एंड ईट इट इन द मिडल ऑफ नाइट। चेक करो यार, रेस्टोरेंट से चुराने के लिए भी क्या ही मिला है, मतलब सही है यार, सही है यार, सर्दी लग रही है, आई थिंक आई शुड ऑफ द फैन। खैर चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आई समटाइम्स एक्ट लाइक आई एम ऑन अ रियलिटी टीवी शो व्हेन एवर आई एम होम अलोन एंड आई टेल द कैम, क्या लिखा है उन्होंने, एंड आई टेल द कैम अबाउट हाउ, ओके ओके ओके, आई समटाइम्स एक्ट लाइक आई एम ऑन अ रियलिटी टीवी शो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब अकेले होते हैं तो ये अपने घर में इस तरह का रिएक्ट करते हैं और कैमरा खोल के बताते हैं कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनते हैं कैमरे के सामने। तो देना आप रिएक्ट करें इन पे जरा। सही बात है, तो ये अच्छी बात है आप करें। जब भी तो ब्लॉगिंग शुरू किया और उसने ब्लॉगिंग शुरू किया, कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल। ओके सो नेक्स्ट है, आई यूज टू स्ट्रेच माई टी शर्ट आउट बिफोर गोइंग टू द जिम सो दैट माई पर्सनल ट्रेनर वुड थिंक आई लॉस्ट वेट। वाह यार, मतलब ये तो कोई स्मार्ट माइंड है, स्मार्ट है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट। क्लैपिंग होनी चाहिए इनकी, स्लो क्लैप्स। ओके सो एक और है, उन्होंने बोला है माय सीक्रेट इज दैट आई डोंट हैव अ सीक्रेट डोंट टेल एनीबॉडी। अब क्या कहा जाए इन पे यार, उसको ना जितना ऊंचा दिखा सकती हो ना उतना ऊंचा दिखा दे। उससे बोलो जब ये वीडियो देख लियो ना पर्सनली अपनी खिड़की खोल के बाहर देख। अल्लाह, और ये पता नहीं कौन, और ये कौन है रैंडम जिन्होंने बोला है ये जानी रहने दे, मतलब आप इधर फ्री क्यों हैं, हुई हैं या हुए हैं, आई डोंट नो कौन है यार। अच्छा
अच्छा सबको छोड़ो जैनब, एक जो आया है जैनब लड़ने लग जाती है यार, और एक जो किसी ने पूछा है जैनब, बहुत ज्यादा हॉरिबल सीक्रेट लगा मुझे इनका, मतलब तुम भी डर जाओगी सुन के, उसने बोला है कि मुझे आप बहुत पसंद है, ये इनका सीक्रेट है कि मतलब इनको मैं बहुत पसंद हूँ, इतना ज्यादा हॉरिबल सीक्रेट ये रख के घूम रहे हैं अपने साथ, दिस इज मतलब यार बहुत ज्यादा हॉरिबल है। और एक है मोहतरमा, ये लास्ट आएगा सीक्रेट, और इन्होंने बोला हुआ अनोन की शादी में जाकर खाना खाया है, घर में नहीं मिल रहा था क्या? इसके बाद तो ये सवाल बनता है कि घर में नहीं मिला था, पकड़ी जाती है तो जूतियां बहुत पहन, वाकई यार किसकी साइड चाहिए, दूल्हे की दुल्हन की तरफ से, हम तो अपने, तुम गैर की शादियों की बात करते हो ना, अपनी भी किसी की शादियों पे जाते हैं ना, कितना शर्मा के खाना खाते हैं वाकई यार, एक प्लेट खत्म होके नहीं देती है, पूरे गैर की शादियों में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेजेंड है ना यार, लिविंग लेजेंड। सो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इस तरह की और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ज़ैनब अल्लाह हाफिज़ कह दो, इसकी वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, इसके पेज को सब्सक्राइब भी कर देना मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़, और हाँ मेरे पेज को भी फॉलो कर लेना, ओके ओके भाई कर लेंगे, ओके अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh